हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन सो गाइस कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे टेंथ चैप्टर ऑफ ट्वेल्थ बायोलॉजी की जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज सो हमने ड्रग अब्यूज़ के बारे में पढ़ना था हमको और टाइप्स ऑफ ड्रग देखेंगे बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों को सोर्सेस को लेकर और उनके नाम को ले के. जी हाँ किससे क्या निकलता है वो नहीं पता है तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जिस टाइप से एडिक्शन फैलता जा रहा है इन ड्रग्स का अ डॉक्टर और जनरल इन जनरल पर्सनैलिटी शुड नो, नो अबाउट दी ड्रग अब्यूज ठीक है तो हम आज करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स तो ओपी जिसको बोलते हैं तीन करेंगे ओपी कैनाबिनॉइड्स और थर्ड है अल्कलॉइड ऑफ कोका ठीक है लोग कोका को चॉकलेट से कंपेयर करते हैं कि वो कोका सीड है नहीं कोका अलग है और चॉकलेट का सीड जो होता है वो अलग है वो मैं आगे बताऊंगा दीज ड्रग्स बाइंड टू ओपीआइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये ओपी रिसेप्टर क्या होता है ये रिसेप्टर है आपके ब्रेन के अंदर जो बोलते हैं कि जो फीलिंग को कंट्रोल करते हैं आपके बॉडी के जैसे कि अगर आपको पेन की फीलिंग है तो ये रिसेप्टर बताते हैं पेन अगर आप जैसे कि दवाएं खाते हैं जो पेन किलर्स बोलते हैं वो क्या करता है ये पेन किलर्स जनरली ये जो रिसेप्टर है जो ब्रेन में रिसीव करता है किसी भी पेन के सिग्नल को उसे ब्लॉक कर देगा समझिए मेरा स्टमक में पेन है सो so, ये पेन को मेरे स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम तक पहुँचने ही नहीं देगा तो मुझे वो पेन फील ही नहीं होगा तो ये काम करते हैं ओपिओइड रिसेप्टर्स ठीक है तो ये और कहाँ पे जैसे बोलते हैं कि ये स्मेल में यहाँ पे भी काम में आता है चीज़ों के तो इसलिए देखिए तो ये रिसेप्टर लेने के बाद क्या होता है लोग कितने भी दुख में रहें जितने भी रहें एक तो रहता है ये और दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है देखिए दर्द नहीं है तो हमारी बॉडी खुश हो जाती है क्योंकि डोपामाइन फिर से मेंटेन हो जाता है तो ये है ठीक है आपको ये ध्यान रखना है तो ये प्रोड्यूस करता है लेकिन हमने क्या किया ये सब ड्रग्स लेके एक्चुअली जो खुशी बनाता है डोपामाइन रिलीज करता है वो लेना शुरू करते हैं आगे देखेंगे हीरोइन अदरवाइज वाइज कॉल्ड स्मैक नाम याद रखिए हीरोइन को स्मैक बोलते हैं हीरोइन इज डिफरेंट फ्रॉम कोकेन हम लोग साथ में बोलते हैं कोकेन हीरोइन लेकिन हीरोइन अलग है इस केमिकली डायटाइल मॉर्फिन जी हाँ मॉर्फिन आप लोग ने खाया होगा कहीं ना कहीं पे दवाओं के रूप में पेन किलर्स ऐसे यूज करते हैं इसे इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट इंपॉर्टेंट है पॉपी प्लांट नाम है पेपावर सामनीफरम वेरी इंपॉर्टेंट गर्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू बाट इट एनी हाउ हीरोन इज डिफ्रेजेंट अच्छा लिटेक्स क्या होता है ये बताया तो आपको लेटेक्समें दिया हुआ आपके इसमें देखिए अच्छा डायग्राम है ये देखिए कुछ इस तरह का ये होता है ये लेटेक्स क्या होता है जब ऐसे यहां से काट देते तो देख रहा है ये ड्रॉप निकल रहा है ये होता है जो मटीरियल कोई भी बॉडी छोड़ती है जैसे कि रबर तेज रब वो ट्री के बाग पे आप कट लगाते वहाँ से जो मटीरियल रिलीज होता है सो तो यही है लेटेक्स बोलते हैं इसको तो लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पॉपी प्लांट का आपको इमेज दिखाता हूँ देखिए पॉपी प्लांट कुछ इस तरह से दिखता है नॉट पापी प्लांट पापी तो ये उनके लिए हो जाता है जो अटक जाते हैं तो इस तरह से मालूम है आपको एक कंडीशन बताऊंगा आपको कि इंडिया में अगर लीगली देखने जाए तो देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि मौर, ये मॉर्फिन जो ड्रग है ना ये बनाने के लिए इसे अलाउ किया गवर्नमेंट ने लेकिन कुछ लिमिटेड जोन में एमपी यूपी के जोन हैं जैसे कि बुंदेलखंड काइंड kind ऑफ of जो ट्रांजिशन जोन है वहाँ पे अलाउ किया बिकॉज मॉर्फिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है और ये हमको यूज़ करना है तो क्या करते हैं वो आता इसी प्लांट से सो गाइस so, क्या करते हैं इसमें तो गवर्नमेंट क्या होता है डेटा रखती है एक्चुअली गवर्नमेंट कितने प्लांटेशन है आप लोग को लगता होगा कि बहुत ईजी लेकिन गवर्नमेंट अगर अपने पे उतर जाए ना आप ना एक बोलते हो जो शिवाजी कौन सा पूछा सॉरी सिंगम बोलता है कि अगर अपने पे आ जाए तो मंदिर से एक चप्पल होगा तो अगर ये लोग अपने पे आ जाए ना तो आप एक, एक एक्स्ट्रा प्लांट का ये जो ये दिख रहा है वन टू थ्री ये सब गिने जाते हैं तो ये गिन के प्रोड्यूस होता है लेकिन क्या लूप होल है तो इसमें क्या होता है कोई सौ से दो सौ भी कर लिया उतने एरिया में प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी समझे इतने एरिया में अलाउड है तो यहाँ पहली बार इतना था अब इतने किलो गवर्नमेंट इवन मालूम है कितने के जी प्रोड्यूस होगा ये भी डिसाइड करे इतना अच्छा कानून इतना अच्छा लॉ है ना लेकिन फिर भी आप पता है कि आप अगर चाहो तो कितना क्या क्या कर सकते हो तो ये मैनेज नहीं होता लेकिन मैं बता रहा लीगली अलाउ जैसे आप लोग बोलोगे लीगली अलाउड है या नहीं है सो ग्रो करना अलाउड है क्योंकि इसको ड्रग चाहिए लेकिन इसे कंज्यूम करना या इसका एक्स्ट्रा जो भी बन रहा है समझे सौ किलो गवर्नमेंट बोलती बनना चाहिए सौ किलो के अलावा अगर कुछ बन गया और उसका ट्रेड हुआ वो इलीगल है सिंपल सो यहां पे पकड़ा जाते हैं आज जैसे बहुत न्यूज है ट्वेंटी ट्वेंटी में इस सबके बारे में ये लोग यहां पे पकड़ा जाते हैं अच्छा मॉर्फिन अब ये जो लेटेक्स निकला है ना लेटेक्स ये खुद में बहुत या जैसे बोलते हैं ना नहीं होता है ड्रग नहीं है इसको आपको ट्रीट करना पड़ता है केमिकली ट्रीट करने के बाद वो जो हीरोइन बनता है वो तैयार होता है अब हीरोइन जो रहता है इंडिया इसलिए बहुत सारे आपको बता दूं इंडिया का जो ईस्ट है नॉर्थ ईस्ट है जो हमारा वहां से लेके बनता है वहां से चीजें प्रोड्यूस होती है मिडल ऑफ द इंडिया आता है फिर मुंबई जैसे शहरों से बाहर को एक्सपोर्ट होता है सो so, सब लोग क्या बोलते हैं यूएस वाले कि इंडिया इज अ ट्रांजिशन कंट्री और इसलिए इंडिया पे ये सब बहुत जैसे यूएस एस वाले प्रेशर डालते हैं नॉर्थ ईस्ट में कौन है जो म्यांमार जोन है नागालैंड वहाँ पे वहाँ पे ये सब बहुत इलीगली ग्रो किया जा सकता है हीरोइन ही नहीं कोकेन भी दोनों याद रखिए दोनों को ग्रो किया जाता है और उसको बीच में इंडिया में केमिकल्स इंडिया आपको मानू केमिकल हब है इंडिया का लाइक का केमिकल और सबको तो इसमें केमिकल इजीली मिल जाते हैं उसको वो लोग बना लेते हैं फिर बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए चीप रेट में प्लस उसका जो बोलते हैं ना करप्शन है तो इजीली उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है तो इंडिया में करप्शन है तो ये सब की वजह से इंडिया बन चुका है ट्रेड सेंटर ठीक है तो पहले ट्रेड लेकिन अब क्या हो रहा था इसका जो सेंटर था मुंबई था जहाँ से ट्रेड लेकिन अब मुंबई में आ रहा है माल तो मुंबई में थोड़े दिन रुकेगा अब मुंबई में थोड़े दिन रुक रहा है तो भैया यहाँ पे मुंबई वाले भी कंज्यूम कर लेते हैं

आपके दिमाग को काम डाउन करता है रिलैक्स से भी ज़्यादा रिलैक्स कर देता है देखिए बताता हूँ इसके इफेक्ट को ये क्या करेगा समझिए आप नहाने बैठे हैं आप मगे में से पानी ले रहे हैं आप दो मिनट तक मगे में से पानी अपने सिर पर ही डालते रह जाओगे इतना स्लो एक्टिविट है बाद में आपको रिलाइज हिट होता है अरे ये आप क्या कर रहे हो तो इतना स्लो डाउन इफेक्ट है आप समझिए चल रहे हैं चल के उठने जा रहे हैं आप चलते ही रह जाओगे मतलब और क्रॉस भी नहीं किए घर को आप वही मूमेंट पे खड़े रह जाओगे इतना स्लो दुनिया होता है तो ये हर एक चीज को स्लो कर देता है और तब तक, तक आप पूरा अपने टेंशन भूल जाते हो तो ये सब बड़ा साइको एक्चुअली लोग क्या बताए इसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कभी कभी इन्वायरमेंट नहीं सी होता है ये सब ये सब दिक्कत लेकिन रियलिटी में क्या बहुत बार टेंशन होता है स्ट्रेस होता है तो लोग उस स्ट्रेस को भुलाने के लिए जाना जाते हैं अब ये नहीं बोलना है सबको कि मतलब अब सब लोग उठ के आके बोल देंगे कि टेंशन नहीं होता इसलिए सब लोग फिर भी सो कॉल कूल बनने के लिए फैमिली अच्छी नहीं थी ये सब नहीं होता है लाइफ में जब कोई स्कोप नहीं होता तो जैसे कि नहीं कुछ लोग रिलीजियस लोग बाबा के पास जाते हैं बाबा साधु लोग के पास जाते हैं ऐसे ही कुछ लोग मॉम डैड से ले सपोर्ट लेते हैं कुछ लोग फ्रेंड्स से सपोर्ट लो कुछ लोग एडिक्शन का सपोर्ट लेते हैं ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा भी तो गलत है मॉम डैड भी क्या देंगे अचीवमेंट के नाम बच्चा खुद गलती कर रहा है तो मतलब सब कहाँ पर होगा तो ऐसा इसको इतना भी नहीं लेकिन ध्यान रखना है कि मॉम डैड एटलीस्ट ये क्या है आपकी बॉडी के दिमाग की एडिक्शन नहीं है इसमें क्या होता है uh, जब आप ये कंज्यूम करते हो इसकी आदत लगा देता है और ये आदत ऐसे सच आपको ग्रो होने देता नहीं है ठीक है तो डिप्रेसेंट का मतलब समझिए जैसे कॉफी या क्या काम है कॉफी के अंदर कैफीन होता है वो अलग है ठीक है देखिए कोका कोका कॉफी और कैकोआ या क्या कै या कैकोआ कैकोआ ये दोनों कॉफी और इसको हमारे चॉकलेट को बोलते हैं कैफीन या जो एलिमेंट है वो कॉफी के अंदर होता है और कोका ये कैफी वो अपना कोकेन सॉरी होता है तो कोका कॉफी को, में क्या होता है कैफीन जो एलिमेंट है कॉफ़ी के अंदर और चॉकलेट के अंदर क्या होता है कोकोवा सीड से बना होता है ये सब वर्ड्स हमेशा कंफ्यूजिंग लगते हैं वंस एंड अनदर लोग गलत तरह से यूज़ करते रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये सब कैसे होती है। तो कैफीन क्या है, क्या करता है? Stimulant है. Stimulant है. Stimulant मतलब आपके दिमाग को एक्टिव करता है वहीं पे है. दोनों में फर्क याद रखिए ठीक है अभी कैना दूसरा टाइप टाइप विद रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन इनहलेशन एंड इंजेशन ऑफ दीज सबस्टेंसेज इनहलेशन मतलब सुंगना और इंजेशन मतलब खाना अफेक्ट द कार्डियोवस्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट और ब्लड में इफेक्ट करता है दीज आर ऑफटेन फ्रॉम द इनफ्लोरसेंसेस एंड पार्ट ऑफ कैना बी सताइ इम्पॉर्टेंट अगेन केना बी नॉइट कहां से कैना भी सतायुआ मेरिजुआना हशीश चरस गांजा आर अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स ऑप्टेन फ्रॉम दिस प्लांट तो अगेन मेरी जो यूएस में फेमस है चरस गंजा इंडिया में ठीक है आप लोग जानते हैं लेकिन ये सब प्रोडक्ट अलग अलग हैं ये देखिए हशीश यहाँ पे इट इज मेड थ्रू इट सेपरेशन ऑफ ट्राइकोम ट्राइकोम क्या होता है ये उसका फ्रूट वाला पार्ट है ये इस तरह से फ्रूट लटकता रहता है वो फ्रूट वाला जो पार्ट है इससे बनता है हशीश चरस क्या होता है वहीं पे चरस इज मेड बाय रबिंग द टॉप्स ऑफ लाइव प्लांट्स इन हैंड्स एंड स्क्रैपिंग फ्रॉम द फिंगर्स एंड अडियरिंग रीजन तो ये ऊपर के प्लांट के पार्ट से निकलता सिर्फ गांजा इज अ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ प्लांट एक्सक्लूडिंग सीड एक्सक्लूड कर देना एंड लीव्स वेन नॉट अटेम्पराइड बाई द टॉप्स भांग वहीं पर क्या होता है देखिए भांग भी उसी का फॉर्म है फ्रॉम द लीव्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट फिर लो ग्रेड का होता है जो असली होता है वो ये वाले रहते हैं ऊपर वाले रहते हैं भांगा इज भांगा बोल रहा हूँ भांग इज अ माइल्ड फॉर्म भांग खाने पे भी आपको वही चीज होती है जो इफेक्ट स्लोनेस दिखनी चाहिए ये सब काम होता है ठीक है तो अब आप लोग समझ सकते हैं भांग इज लीगल इन इंडिया भांग आप खा सकते हो लेकिन आ, सब लोग नहीं लेकिन इसमें भी लिमिट है ठीक है ना सो तो भांग लीगल है बाकी सब इ है ये ध्यान रखना है तो ये कैसे बनता है जो लीव्स है उसका इतना इफेक्ट नहीं रहता है और ये इतना अच्छा बॉडी के लिए रहता भी नहीं तो लीव्स एसिड लेकिन इसका भी इफेक्ट होता है और ये ख़राब होता है आपकी बॉडी को हार्म करता है इसलिए ये इजीली अवेलेबल है और सस्ता है ये आपकी बॉडी को पूरे ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देगा और ये जो रहते हैं ये जिसकी सेटिंग रहती है उनको मिलता रहता है तो बस फिर भी याद रखिए कि हशीश चरस गांजा अलग है Uh, मैं और सेपरेट कर सकता था लेकिन सोचिए मैं जो स्लाइड भी लाऊं ये अवेलेबल ही नहीं आपको बताया भी नहीं इसी बताया कि अलग अलग फॉर्म है तो उसकी ज़रूरत नहीं सिर्फ मैं लाइफ लाइफ में आपको जानते रहना चाहिए कि ये सब अलग है लेकिन आते कौन से कना भी सतायवा <coughs> <coughs> सॉरी उस प्लांट से ही आते हैं सो so, अब आते हैं कोकेन की तरफ कोकेन कोकेन और हीरोइन अलग है पहले बोल दिया था मैंने दिस इज एन अल्कलॉइड अल्कोलाइड क्या होता है जैसे कोई भी चीज कड़वा लगता है अल्कोलाइड आपका जैसे कि आ, मिर्ची जो है ना चिली उसमें वो, वो भी अल्कोलाइड होता है इसलिए वो तीखी लगती है ठीक है तो वैसे आप समझ पाओगे तो लिंक कर पाओगे ऑप्टेन फ्रॉम देखिए देखिए कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका इट इंक्रीजेज लेवल ऑफ न्यूरो ट्रांसमिटर डोपामाइन डोपामाइन खुशी का हॉर्मोन इट्स एक्सेसिव डोजेस कॉजेस एक्सट्रीम हैप्पीनेस एक्सट्रीम एक्सेसिव लोग तो एकदम ज़्यादा खुश हंसने लगे पागल हो जाएगा इतना खुश हो जाएगा अच्छा भांग भी वही चीज डालता है फुकट का हंसाना इरिटेबिलिटी लेकिन फिर इरिटेशन आएगा जैसे ही कम हुआ अगर नहीं लोगे तो और पैरानोया पैरानोया क्या बहुत सारे सिम्टम्स हैं शक करना लोगों पर डिप्रेशन में आ जाना ये सब चीज़ पैरानोया है ठीक है अब हेल्यूसिनेजेंस हेल्यूसिनेजेंस क्या होता है माइंड एक्सपांडिंग ड्रग्स माइंड को एक्सट्रांड मतलब बोलता था ना लास्ट लेक्चर में पॉप अप होने लगते हैं चीज़ें अगर समझिए आपने पढ़ाई की है ताजमहल के बारे में तो या कोई और चीज़ ताजमहल आपको कलरफुल दिखने लगा पॉप होके उसका जो पिलर्स है मीनार्स हैं वो आपके दिमाग में पॉप हो के डुब 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 करके कलरफुल होते हैं ये हेलुसिनेशन होता है जो है नहीं वो दिखना शुरू हो जाता है सो दीज आर अल्कोलाइड्स अगेन अल्कोलाइड देखिए अल्कोलॉइड केमिकल बताया ना देखिए अलग अलग टाइप के अल्कोलॉइड्स बता दिए कॉजिंग डे ड्रीमिंग डे ड्रीमिंग कैसा मतलब जो डे ड्रीमिंग क्या होता है आप सोचते हो कि मुझे लाइफ में अचीव करना है आज मैं ऐसे डांस करूंगा ऐसा गाऊंगी या वैसा करूंगी वो अलग चीज़ है ये डे ड्रीमिंग मतलब क्या आपका कंट्रोल ही नहीं है आप जो चीज देख रहे हो एकदम लाइट आपको जो ग्रीन दिख रही है आपको अलग नीला पीला हरा सब कुछ दिख गया उसके अंदर लाइसर्जिक एसिड एंड कनाबिस आर हेलो सब्सटेंस एट्रोपा बेलोडोना एंड धतूरा एस पी ऑल्सो एस पी का क्या मतलब है इसका मतलब होता है वे जो जैसे कि समझिए ये अगर हम देख धतूरा जीनस है तो ये क्या है स्पीशीज़ है लेकिन कोई एक स्पीशीज़ नहीं धतूरा के बहुत सारे स्पीशीज़ हैं तो वो सब स्पीशीज़ जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ उनको बोलते हैं एस से दिखाते हैं ऑल्सो हैव हेल्यूसिनोजिकल्यूसिनोजनिक प्रॉपर्टीज़ ये वर्ड थोड़ा मुझे बोलने में टफ रहता है अदरवाइज हेल्यूसिनेशन मुझे बोलने आ जाता है हेलुसिनेशन आर अनरियल परसेप्शन ऑफ अनरियल ऑब्जेक्ट अनरियल मतलब बोला ना अब ताजमहल वैसा नहीं है लेकिन उसका कलरफुल ताजमहल वाइट है लेकिन आपको कलर दिख रहा है आप ताजमहल के सामने नहीं लगे आपके सामने पॉपअप होता लग रहा है कि आप चलते रहें तो अनरियल चीज का अनरियल एक्सपीरियंस ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम तो इसको बोलते हैं केमिकल लोचा हो गया ठीक है ना वो मुन्ना भाई में बोलते हैं भाई तो ऐसा ये देखिए ड्रग्स लाइक बारबिटोरेट्स एम्फिटामाइन बेंजोडाइजिन लसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड इसको ही एलएसडी बोलते हैं आर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स लाइक कैना बज सताइवा आर यूज एज अ मेडिसिन जो मैं बोल रहा था इट हेल्प द पेशेंट इनको अट्रैक्टिव इंजोलना इन नींद नहीं आ रहा और डिप्रेशन से जो सर्व कर रहे हैं तो ये सब दवाएँ बनती हैं ठीक है तो ये आप लोग को याद रखना है अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है डिपेंडेंस और इसे कैसे फ्री हो तो ये मैं कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में सो so गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय है ग्रेट एंड नाइस डे अहे